गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर हेल्दी। और बेटा सभी स्वस्थ होंगे और सभी छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा आज का टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनल्स, है ना। आपका टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको सेल की डिस्कस बता दी थी, सेल के बारे में बता दिया था, सेल के पार्ट्स बता दिए थे। और बेटा दो नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन, बता दिए थे सारे। अब बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी कराएंगे, है ना। तो बेटा सबसे पहला जो आपको जो सेल का फिगर दिख रहा है ना, कुछ आपको मैंने यहाँ पे आपके ऑर्गेन्स बना दिए हैं जिनकी हम स्टडी कराएंगे आज आपको, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं, सबसे पहले स्टडी कराएंगे कौन से ऑर्गेनल की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, है ना। तो बेटा देखिए, हाँ एक और बात है, जो सारे बेटा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा, ये क्या आपके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में आपके लगे रहते हैं, है ना, फंसे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इस पर सबसे पहले लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड लॉन्ग नेटवर्क लाइक ट्यूब्स। बेटा जो आपके ट्यूब्स की तरह क्या लॉन्ग नेटवर्क होता है, बिग नेटवर्क होता है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आपकी जो ये क्या आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रही है ये क्या आपकी ईआर, है ना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये बेटा क्या टू टाइप्स की होती है, ये क्या टू टाइप्स की होती है, एक होती है बेटा आपकी, इसे हम इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। इसके क्या टू टाइप्स होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका आर ई आर और दूसरा होता है आपका एस ई आर। आर ई आर का फुल फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर का मतलब मीन क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा इसमें क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंशिएट है, तो आपको बेटा यहां पे कुछ आपको डिफ्रेंशिएट दिखाई दे रहा होगा, डिफ्रेंशिएट ये दिखाई दे रहा है कि जो बेटा आर ई आर होते हैं इनके ऊपर क्या होती है आपकी कुछ आपको प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये प्रोजेक्शन हमें क्या माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं बेटा, ये किसकी वजह से होते हैं आपके, इसपे क्या होता है राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसपे राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें कैसे दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है ना, इसकी वजह से हमें कैसे दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है। और बेटा जिसपे क्या होता है आपके जो आपके राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्मूथ ईआर, है ना, स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा इनके काम क्या होते हैं, तो बेटा राइबोसोम जहां पे होगा बेटा वहां पे क्या होगा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना। तो इनका काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना यानी प्रोटीन का निर्माण करना, है ना। और बेटा ये इसका एसईआर का क्या फंक्शन है, एसईआर का फंक्शन ये होता है आपका कि जो एसईआर होती है इसका मेन फंक्शन है आपकी जो फैट और लिपिड्स होते हैं उनका सिंथेसाइज करना, ठीक। आई होप जो पहला वाला समझ में आ रहा होगा आपके में। सेकंड हम सेल ऑर्गेनल लेते हैं बेटा आपका, सेकंड सेल ऑर्गेनल लेते हैं हम इसमें गोल्जी एपरेटस, कौन सा लेते हैं गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, बेटा जो गोल्जी एपरेटस होता है सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था, कैमिलो गोल्जी उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस या फिर इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं ना। तो बेटा ये आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ आपको ट्यूब जैसी दिख रही है ना, पैरेलल ट्यूब जैसी दिख रही है आपको, है ना, ये रही। गोल्जी एपरेटस, है ना। तो बेटा ये आपको पैरेलल टाइप की ट्यूब्स दिख रही है ना। तो बेटा ये ट्यूब्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम बेटा पहले। तो बेटा ये गोल्जी एपरेटस होती हैं, सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था उसको, कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था। और बेटा ये कैसा होता है आपका, एक सिस्टम बाउंडेड मेम्ब्रेन, जो आपका
एक मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है, सिस्टम होता है जो कि पैरेलल फॉर्म में होता है ना। अब बेटा इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसके जो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, जो आपको ट्यूब जैसे दिख रहे हैं ना इन्हें बेटा, जो आपको एक जो आपकी सिंगुलर क्या कहेंगे इसको, सिस्टर्न, क्या कहेंगे बेटा, सिस्टर्न कहेंगे इसको। और बेटा इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो बेटा इसका फंक्शन रहता है बेटा, जो इसने प्रोटीन बनाई है ना, जो भी जो चीज बन रही है यहाँ पे उसकी क्या पैकिंग करना है ना, इसका क्या फंक्शन रहता है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईयर इज पैक्ड पैक्ड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट टारगेट साइट, यानी इसका जो काम क्या रहता है बेटा, जो आपका ईआर ने जो भी चीज बनाई है, प्रोटीन बनाई है, उसको क्या करता है, पैक्ड करता है और डिस्पैच करता है जहां पे टारगेट साइट, जहां पे इसकी जरूरत हो। मान लो क्या है, प्रोटीन की कहीं भी जरूरत हो तो वहां पे इसको क्या कर देगा, डिस्पैच कर देगा, पहुंचा देगा, है ना। और बेटा सेकेंड फंक्शन क्या रहता है इसके, सेकेंड फंक्शन रहता है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बेटा लाइसोसोम होता है उसकी फॉर्मेशन, जो लाइसोसोम होता है ना बेटा, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी इसका क्या होता है आपका, ये इसका सपोर्ट करता है, उसमें भी फंक्शन होता है, लाइसोसोम को बनाने में इसका भी काम होता है ना। तो बेटा ये हो गई आपकी गॉल्जी एपरेटस। अब बेटा हम बढ़ते हैं अगला पार्ट, लाइसोसोम। ये है आपका लाइसोसोम, क्या है बेटा आपका लाइसोसोम, बेटा यहां से आपका एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, यहां से आपके जो चैप्टर में से फेवरेट क्वेश्चन बनता है, वाई आर लाइसोसोम इज नोन एज, लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, है ना। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, है ना। तो बेटा आगे हम पढ़ते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपकी आपकी सेल में, कई सारी स्ट्रक्चर होती हैं, इसका क्या काम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम देखते हैं आगे इसमें। लाइसोसोम है ना, तो बेटा देखिए इसमें लाइसोसोम अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, बेटा जो आपका जो लाइसोसोम होता है ना, एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या है आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, ये क्या है आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है ना। सेकंड क्या आगे देखते हैं इसमें बेटा, इट हेल्प टू कीप सेल क्लीन, यह सेल को क्लीन रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। मान लो आपका सेल में कोई क्या है फॉरनर, जो आपका फॉरेन, जो आपका एक कोई भी मान लो कि बैक्टीरिया है या और भी कोई चीज है इसमें घुसने की एंटर कर गया है ना, मान लो जो आपका जो बैक्टीरिया है उसमें क्या आपका एंटर कर गया, तो लाइसोसोम को तुरंत पता चल जाएगा, लाइसोसोम को तुरंत पता चल गया चल जाएगा, और इसको क्या जो बैक्टीरिया इसमें एंटर कराता है इसको क्या खा जाएगा, इसको क्या कर देगा खा जाएगा। अब या फिर क्या होगा बेटा, आपके सेल हैं और बेटा जो पुराने आपके ऑर्गेनल्स हो गए उसमें कोई भी टूट फूट हो गई है ना, वॉर्न आउट हो गया, तो बेटा उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ना। कैसे कर देता है इसमें देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, लाइसोसोम ब्रेक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। देखिए जो आपका फंक्शन क्या रहता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई बैक्टीरिया है आपका, कुछ आपके माइक्रोब्स क्या है जो सेल में एंटर कर जाते हैं, और एंटर कर गए तो क्या होगा, अब उनको क्या है आपका बेटा डाइजेस्ट कर देता है, या फिर आपकी कोई भी जो ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, कोई भी टूट फूट हो गई तो क्या होगा इसमें, क्या होगा आप मान लो कि टूट फूट हो गई इससे टकराएंगे तो क्या होगा आपके जो ऑर्गेनल्स और को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो बेटा जो आपका लाइसोसोम होता है उसको क्या है डाइजेस्ट कर देता है ना, उसको डाइजेस्ट कर देता है। अगला पॉइंट है बेटा इसमें, अगला पॉइंट है दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। इसमें क्या होता है आपके बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपके बैक्टीरिया है
और जो आपके वॉर्न आउट जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं उसको क्या डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, विच इज मेड आर ए आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए जो कि आपके मैंने आपको बताया था, जो आपके लाइसोसोम क्या होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपके आर ई आर, जो हमने यहां पे पढ़ा था आर ई आर, इसके द्वारा क्या है बनाए जाते हैं, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, ड्यूरिंग डिस्टरबेंस इन सेल सेलुलर ड्यूरिंग डिस्टरबेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक या आपकी बायोलॉजिकल जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें कुछ आपका डिस्टरबेंस हो जाए तो, या फिर आपकी सेल डैमेज हो जाए, जैसे कि आपकी सेल डैमेज हो जाए तो क्या होगा, सेल डैमेज लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम में बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, है ना। अब बेटा देखिए आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका लाइसोसोम होता है बेटा उसको हम पावर हाउस ऑफ द सॉरी सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, है ना, आपसे पूछा जाए तो बेटा आपका ये आंसर ये होगा कि जब भी क्या होता है, देखो आपके जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम हैज पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड ऑफ ई आर, जो कि ई आर जो आपके आर ई आर होते हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं, व्हेन द सेलर मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज, या फिर हम कहेंगे आपका और जो आपके सेल जो आपके सेल हुआ है, आपकी जो सेल इज डैमेज व्हेन लाइसोसोम इज मे वर्स्ट, लाइसोसोम क्या होता है वर्स्ट हो जाता है और बेटा उससे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं आपकी पूरी बॉडी को, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरी बॉडी को क्या कर, जो आपकी सेल की पूरी बॉडी है ना उसको क्या डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लाइसोसोम है उसको हम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला आपका है इसमें, अगला हम देखते हैं अगला क्या है, अगला आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अगला हम पढ़ाते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा है ना। यहां से भी आपका एक फेवरेट आपका टॉपिक बनता है, यहां से भी आपका एक फेवरेट क्वेश्चन है, आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपके चैप्टर से, है ना। एक तो लाइसोसोम वाला हो गया और एक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, एक है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपकी दिखाई दे रही है ना, इसको इसमें आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो कॉन्ड्रिया, है ना बेटा। जब ये सिंगुलर होती है यानी एक ही होती है तो हम क्या कहेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रियन। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कैसी होती है, प्लुरल फॉर्म में होती है, यानी क्या है हम इसको प्लुरल ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन होती है उसको सिंगुलर बोलते हैं, है ना। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं आगे इसमें पढ़ते हैं स्टडी करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं, अब देखिए मैं आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल से क्यों जानते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो बेटा ये फेवरेट क्वेश्चन है यहां से, है ना। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे देखिए इसमें स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या होती है आपकी डबल, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है बेटा इसमें आपको यहां पे आपका मैं फिगर बना देता हूं, यहां पे फिगर बना दे रहा हूं, सॉरी देखिए मैंने रफली क्या है यहां पे आपका डायग्राम बना दिया है, वैसे डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगेगा, है ना। अब देखिए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है,
डबल बाउंडेड, यानी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ना। पहला जो आपका लेयर होती है इसमें, पहली जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है आपकी, पोरस होती है ना। पहली कैसी होती है आपकी, इसमें कई सारे क्या है पोर्स होते हैं, इसमें क्या बहुत सारे पोर्स होते हैं। और जो दूसरी आपको दिख रही है ना, जो दूसरी इसमें कॉइल दिख रही है आपको, जो दूसरी आपको कॉइल दिख रही है इसमें जो आपकी घुमावदार है ना, जो आपकी दूसरी घुमावदार है इसमें, वो क्या आपकी दूसरी लेयर होती है, वो कैसी होती है कॉइल्ड होती है, यानी क्या है आपकी कुंडलित होती है ना। अब बेटा देखिए इसमें अगला पॉइंट है, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, यानी क्या फोल्डेड है आपकी। और अगला है, दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग। बेटा जो आपका ये आपकी जो फोल्डेड है ना, जो एटीपी होती है सेल्स की करेंसी ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी जनरेट करने के लिए, एटीपी जनरेट करने के लिए इसको क्या लार्ज एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। आगे देखिए इसका क्या क्या फंक्शन क्या होते हैं इसके, फंक्शन क्या होते हैं इसके, द एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज एंड फॉर नीडेड लाइफ रिलीज बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए जो हमें हमें क्या आपकी जो हमारी लाइफ है, बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है सेल है ना, तो बेटा उसको बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है, बहुत सारी क्रिया चलती है उसमें, प्रोसेस चलती है, एक्टिविटी होती है। तो बेटा उन एक्टिविटीज को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है वेरियस एक्टिविटीज के लिए, है ना। दूसरा फंक्शन इसका, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। जो एटीपी होती है बेटा, एटीपी फॉर्म होती है इसमें, है ना। जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी किसके फॉर्म में होती है आपकी, एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसकी फॉर्म है आपकी एटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है इसकी, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो बेटा देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपकी एटीपी है वो क्या एक करेंसी, जैसे हम क्या आपके रुपया, हमारी करेंसी क्या रुपया है, रुपया से हम सामान खरीदते हैं, ऐसे क्या होता है बेटा एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, है ना। तो बेटा जो भी आपकी एनर्जी बन रही हो किसके फॉर्म में बन रही है, एटीपी फॉर्म में बन रही है ना। अब बेटा द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क्स। अब बेटा देखिए जो आपका एटीपी वगैरह ना, एटीपी जो फॉर्मिंग हो गई, फॉर्मेशन हो गई, तो उसको केमिकल जो आपकी रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसमें क्या आपकी यूज कर लिया था। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बेटा उसका खुद का डीएनए होता है एंड आरएनए, जो राइबोसोम है ना। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसमें खुद का डीएनए, यहां से क्वेश्चन भी बनता है, विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव ओन डीएनए एंड आरएनए, सॉरी एंड राइबोसोम। तो बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है तो उसका जवाब होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो बेटा डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके खुद के पास खुद का, उसके बाद डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे वो क्या आपका खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, है ना, खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपका एक लास्ट पार्ट बचा है, इसमें एक दो सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं, जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है ना, फूड वैक्यूल्स है, और आपका एक सेंट्रोसोम है। ये आपके एक दो पार्ट बचे हैं, इनकी स्टडी हम क्या अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।